देना होगा, 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 देना होगा। उनको तो टाइम पास कितनी खाना पीना नाचना गाना रहिए देना हुआ। तीन साल खान मुर्मुटिक मैंने कहा चलो आदिवासी हमारा हक और वर्ग जाति धर्म को बचाना है, उसके लिए एकता बनाना है, बड़ा एकता। हम पांच राज्य में तीन रात अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं, क्यों? एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए। छूड़ेगा तो हम बड़ी ताकत बनेंगे, और इसीलिए हम लक्ष्मी नारायण मुंडा और सुशील उरांव से भी आग्रह करेंगे। ये क्षेत्र मुंडा उरांव का है, हरिया लोगों का है, बहुत नेता बहुत संगठन है, सबको हम जानते हैं, क्योंकि हम 40-50 साल के इस काम में हैं। और राज बनने के बाद बहुत हम तो मयूरभंज से थे, करीब 4 साल तक राजी नहीं थे, यही डोमिसाइल आरक्षण आंदोलन में, और पति पत्नी हम लोग को डोमिसाइल के कारण जेल में भेजा, अभी भी केस चल रहा है। जो इधर में क्या नाम है वो नगरी जमीन का मामला, नगरी जमीन के लिए हमने हाईकोर्ट का पुतला जला दिया, अभी भी केस चल रहा है। तो भारत देश में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई पुतला नहीं जलाया, कल खन को जला दिया। और वकील लोग बोला कौन से आप माफी मांग लो, हम बोला माफी भी नहीं मांगे, हम क्या गलत किए वो भी बता रहे। उस समय जो चीफ जस्टिस था वो लो कॉलेज का चांसलर भी था, और वही फैसला दिया आदिवासी गांव के लोगों के खिलाफ में, जबकि उसको वो केस चेकअप नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट प्रॉफिट, मतलब एक आदमी जैसे हेमंत सोरेन पर अभी चल रहा है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वैसे ही मामला है। अपने अपने पक्ष में फैसला दिया, हम जीतने के लिए हमको सजा दे रहे हैं तो चीफ जस्टिस को भी सजा देना चाहिए। तो जो जज देख रहा था बोला फाइल को रद्द करना, बोला क्यों ना सजा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चीफ जस्टिस को झुकवाए। तो हम पार्टी बदल सकते हैं, इसलिए नहीं कि हम पार्टी के गुलाम हैं। बीजेपी पार्टी में था, संताली भाषा का काम किया, और बीजेपी का एजेंडा नहीं था, बीजेपी वाला बोलता था ये आदमी अपने काम करता है करेंगे। हम बीजेपी में पैदा नहीं हुए ना बीजेपी में मरेंगे, हम आदिवासी पैदा हुए आदिवासी मरेंगे, आदिवासी का बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमेशा मेरा ऐसा रहा है, मैं ये बात आप लोगों को खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए कि कालचंद मुर्मू थोड़ा अजूबा आदमी है। अभी और एक अजूबा बात हम बोलना चाहते हैं, झारखंड के राज्यपाल के बारे में मीडिया वाला लोग लिख सकते हो तो लिखो, हिम्मत है। ये जो झारखंड का राज्यपाल है जमशेदपुर में जाके 13 तारीख को क्या बोला, लिफाफा जब कहे हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। ऐसी बात जनतंत्र में भारत के संविधान के मार्ग पर शोभा नहीं देता है। केरल का जो मुख्यमंत्री है अभी हेमंत सोरेन, हम उसके समर्थन में इस बात को जरूर बोलेंगे, वो बेचारा बोलने के लिए बाध्य है। अरे भाई हम दोस्त किए हैं तो सजा तो दो, लिफाफा तो खोलो। तो इस मामले पर राज्यपाल महोदय जन भावना जनतंत्र और संविधान की गरिमा के खिलाफ आचरण कर रहे हैं, ये गलत है। वो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या सर्वे सर्वा नहीं है। भारत के संविधान में जनतंत्र है, जनता है, जनभावना है, इसी के अनुसार आचरण करना चाहिए।
और हेमंत सोरेन अच्छा है कि बुरा है विवाद का विषय है, विचार का विषय है, लेकिन जेएमएम पार्टी को जनता लोग वोट देकर जिता के बैठाया है, अपने से नहीं बैठाया। और अभी हेमंत सोरेन यदि दिल्ली जाता है, भारत के चुनाव आयोग को भेजता है कि लिफाफा में राज्यपाल को क्या दिए हो, हमको भी तो हमारे ऊपर तो कुछ लिखे दिए हो, और इलेक्शन कमीशन भी क्या बोलता है, ये हम लोगों के बीच का आपसी मामला है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिल्कुल गलत है। तो राज्यपाल, भारत चुनाव आयोग और हेमंत सोरेन, ये तीनों संविधानिक पद है, गरिमा का पद है, और इसका सीधा सीधा असर जनता पर पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी पर पड़ता है। तो मैं इस माइक से ये बात को रखना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय लिफाफा नहीं खोलते, आप जनतंत्र के साथ, जनभावना के साथ, संविधान के साथ शायद न्याय नहीं कर रहे हैं, आपका न्याय करना चाहिए। मान लीजिए हेमंत सोरेन कल को सरकार में नहीं जाएंगे तो उसका सजा तो जनता को ही भुगतना पड़ेगा ना, रहे या नहीं रहे आपको बताना होगा, और यदि उसको सजा नहीं दी गई है तो उसको छूट भी देना होगा। जैसे हम लोग के संविधान में अनुच्छेद 21 में लिखा है, जीने का अधिकार मर्यादा के साथ, तो हेमंत सोरेन को भी सरकार चलाने का अधिकार मर्यादा के साथ होना चाहिए। उसको सजा मिला है कि नहीं कौन जानता है, लेकिन बेचारा को नींद नहीं आता है, सब कुछ सीखा भी होगा, बीच में नौतरकी भी हुआ, सब एमएलए को गाड़ी में बैठा के कहाँ ले गया। तो मुझे लगता है राजपाल महोदय ठीक नहीं कर रहे, मैडम मैंने आम एक समय हुई ना रुआ तो इंटे जल मारा, लेकिन इंटे चितान भरसा मेरा आपे भरसा इन चितान मेना के बनुआ बड़ो आपे अब तक झारखंड जीतते रहो, दिसम बो जीतते रहो, धर्म बो जीतते रहो, मुझेदा और मित अब जुमित पक्षा करते इना सभा को चापाया करना धर्म कोट देना होगा, देना होगा, देना होगा, करना धर्म कोट लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नहीं तो 30 नवंबर रेल रोड सबसे जाम होगा, जाम होगा, जाम होगा।